गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है मित्र का ऋण। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, वे दोनों मित्र थे, बड़े ही अभिन्न। पहले यहाँ पे जो आपको इसमें बॉक्स में दिया है, पहले इसके ध्यान से देते हैं कि आखिर पूरी कहानी के अंतर्गत किसके बारे में बात की गई है। तो इस पे पहले ध्यान देते हैं, उस पूरी कहानी में आखिर किस बारे में बात है। देखिए, जीवन में एक अच्छा और सच्चा मित्र होना जरूरी है। अच्छा मित्र जीवन के किसी भी मोड़ या परिस्थिति में एक मजबूत स्तंभ की तरह सदैव साथ बनाए रखता है। वह जीवन को एक नई दिशा देता है। आइए देखते हैं कि एक आलसी, कायर और छोटे व्यक्ति को मित्रता कैसे बदल देती है। शुरुआत करते हैं कहानी की। वे दोनों मित्र थे, बड़े ही अभिन्न, बड़े सच्चे। प्रकृति ने दोनों को भिन्न भिन्न सांचे में डाला था। एक कायर था, दूसरा निर्भीक। निर्भीक मतलब जो बिना डरे, जो डरपोक ना हो, निर्भीक हो, जो डरे ना, जिस जो किसी से जिसको डर ना लगता हो, उसे निर्भीक कहा जाता है। यहाँ पे आपके लिखे भी होंगे। देखिए, अभिन्न जो भिन्न ना हो, एक दूसरे से भिन्न होता है, भिन्नता अलग अलग, और अभिन्न जो अलग ना हो सके, और निर्भीक जो किसी से ना डरे। एक मेहनती था, दूसरा आलसी, किंतु फिर भी दोनों मित्र थे। मित्र भी साधारण नहीं, एक दूसरे पर प्राण निछावर करने वाले। ये दोनों लड़के इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध वेस्ट मिनिस्टर स्कूल में पढ़ते थे। एक का नाम निकोलस और दूसरे का नाम बेक था। बेक को सत्य से प्रेम था और निकोलस को असत्य से। असत्य मतलब झूठ से। एक दिन की बात है, स्कूल में दोनों अपने अपने स्थान पर बैठे पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। दोनों पढ़ना बंद करके उधम मचाने लगे। सभी लड़कों ने वैसा ही किया, सबके सब पढ़ाई बंद करके उधम मचाने लगे। निकोलस ने सोचा, कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसे सबको मजा आ जाए। निकोलस अभी सोच ही रहा था कि उसके हाथ आगे बढ़ गए। एक साधारण सा धक्का और बस शीशा टूट गया। निकोलस का हृदय कांप उठा, बिल्कुल पत्ते की भांति चेहरा पीला पड़ गया। आंखों के सामने एक चित्र नाच उठा। शिक्षक सजा देंगे, आश्चर्य नहीं स्कूल से भी निकाल दे, फिर उसका जीवन। ये सारा कुछ बैठा बैठा निकोलस एक मिनट में सोच गया था, जब उसे वह शीशा टूट गया। आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। निकोलस सिर झुकाकर अपने स्थान पर जा बैठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे मन ही मन जाने क्या सोच रहा था। साथियों ने किसी प्रकार शीशे को जोड़कर फिर खिड़की में लगा दिया। शिक्षक आए, कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई सिर भी नहीं हिला रहा था, मानो मौन रूप से सबके सब निकोलस के अपराध की घोषणा कर रहे हो। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। इस रहस्य को जानने के लिए कमरे में चारों ओर अपनी नजर दौड़ाने लगे। आखिर शिक्षक है ना, तो पहचान गए बच्चों को कि उनकी हरकतें कैसी होती हैं। देखिए, आप ही जैसा कोई शरारती बच्चा होगा जरूर। टूटा हुआ शीशा खिड़की पर रो रहा था। शिक्षक को संदेह हुआ, वे उठकर खिड़की के समीप गए। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। उन्होंने आंखों में क्रोध भरकर कहा, जिसने ये शरारत की है वे खड़ा हो जाए। किंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। खड़ा होने की कौन कहे, किसी ने उत्तर तक नहीं दिया। शिक्षक का क्रोध उबल पड़ा। वे हर लड़के से पूछने लगे। उन्होंने निकोलस से भी पूछा। निकोलस मन में सोचने लगा, क्या कहूँ, तोड़ा है ना, मैं नहीं कहूँगा। उसने साफ इनकार कर दिया। अब बेक की बारी आई।
वह निकोलस के पास ही बैठा था। उसने सोचा, निकोलस मेरा मित्र है, उसने अपराध किया है, किंतु वह उसे अस्वीकार कर रहा है। उसका अपराध क्यों ना अपने सिर ले लूं? मित्र को ऐसा ही तो करना चाहिए, बेग बोल उठा। शीशा मैंने तोड़ा है। लड़के आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। निकोलस शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना अर्थात अत्यधिक लज्जित होना, बहुत अधिक शर्म आना। बेग पर मार पड़ने लगी। शरीर पर नीले नीले दाग पड़ गए। देखने वाले भी सिहर उठे, किंतु बेग के चेहरे पर दृढ़ता और विजय की भावना थी। छुट्टी हुई, साथियों ने बेग को घेर लिया। वे कह रहे थे, मित्र हो तो ऐसा हो। निकोलस चुपचाप खड़ा था, आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन अपने को धिक्कार रहा था। अंत में वह बेग के सामने गया। उसकी आंखें भरी थी, गला रुंधा हुआ था। उसने बड़ी ही कठिनाई से रुंधे हुए स्वर में कहा, बेग, तुमने अपने इस त्याग से मेरे भीतर एक नई ज्योति पैदा कर दी है। मुझ पर तुम्हारा ये बहुत बड़ा ऋण है। मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। 40 वर्ष पश्चात दोनों मित्र दो अलग अलग दिशाओं में थे। निकोलस न्यायाधीश था और बेग सेनानायक। उन दिनों इंग्लैंड में क्रॉमवेल का शासन था। राजतंत्र और प्रजातंत्रवादियों में मुठभेड़ हो रही थी। बेग राजतंत्रवादियों की ओर से युद्ध कर रहा था और राजतंत्रवादी पराजित हुए। वह भी पराजित हो गया और अपने साथियों के साथ बंदी बना करके एक जिस्टर भेज दिया गया। एक जिस्टर में निकोलस न्यायाधीश था। वही निकोलस का मित्र बेग बंदी रूप में न्यायालय में उपस्थित हो किया गया। प्रजातंत्र के शासक क्रॉमवेल का आदेश था, राजतंत्रवादी कैदियों के लिए मृत्यु। निकोलस बारी बारी से सबको मृत्यु दंड देने लगा। जब कर्नल बेग नाम लिया तो वह आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगा। उसने उसे देखा, पहचाना, किंतु कर्तव्य ने उसे विवश कर दिया था। उसने कुछ सोचा और तब निर्णय देते हुए कहा, 4 दिन के पश्चात सबको फांसी दे दी जाए। किंतु निकोलस की आत्मा व्याकुल हो उठी। व्याकुल होता है व्यग्र, परेशान, बहुत अधिक परेशान हो उठा था वह। पागलों की तरह वे न्याय मंच से उठकर, न्याय मंच था जो जहां वो बैठा हुआ था, जिस मंच पर वह बैठा हुआ था, उस मंच से वह उठकर अपने कमरे के भीतर भाग गया। नौकर, चाकर, सिपाही, सैनिक सभी अवाक। किसी की समझ में कुछ ना आया। सब आपस में तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। इधर निकोलस ने कमरे के भीतर नौकर को बुलाकर उसके सामने चांदी के कुछ सिक्के फेंक दिए और कहा, मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एक जिस्टर में सबसे तेज हो। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा से बातें करते हुए लंदन की ओर भागा जा रहा था। वह अपने मित्र बेग को बचाना चाहता था, इसलिए क्रॉमवेल के पास लंदन जा रहा था। 2 रात और 1 दिन वह घोड़े की पीठ पर ही रहा। इतनी लंबी यात्रा में वह केवल 3 बार रुका था और वह भी केवल घोड़ा बदलने के लिए। सवेरा हो रहा था। लंदन में क्रॉमवेल के कमरे में पसीने से लथपथ निकोलस खड़ा था। क्रॉमवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा।
उसके मुख से निकल पड़ा कौन? न्यायाधीश निकोलस। यहाँ इस समय ऐसी दिशा में? निकोलस ने कहा, हाँ मैं हूँ निकोलस। मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है कि मैं उस ऋण को चुका दूं, किंतु आपकी सहायता के बिना यह असंभव है। क्रॉमवेल आश्चर्यचकित होकर निकोलस की ओर देखने लगा। उसने कहा, मित्र का ऋण चुकाने में मेरी सहायता? निकोलस ने उत्तर दिया, हाँ आपकी सहायता, प्रजातंत्र के शासक क्रॉमवेल की सहायता। निकोलस ने अपनी और बेक की मित्रता की कहानी क्रॉमवेल को सुना दी। उसने कहा, आज मैं कुछ बन सका हूँ वह केवल बेक ही के कारण। बेक ने ही मुझे इस स्थान पर पहुँचाया। बेक ने यदि शीशा फोड़ने के मेरे अपराध को अपने ऊपर ना लिया होता तो मेरे प्राणों में सत्य की ज्योति ना जागती। मैं कायर बना रहता और आज ना जाने कहां पर होता। अपने उसी प्राण प्यारे मित्र के लिए मैं आपसे क्षमादान चाहता हूँ। यदि आप उसे क्षमादान ना देंगे तो 2 दिन के बाद ही इस संसार से मिट जाएगा और उसके साथ ही निकोलस भी मिट जाएगा। क्रॉमवेल बड़ा ही कठोर था, बड़ा ही उग्र। उग्र होता है क्रूर, जो बहुत ही गुस्से वाला निर्दयी होता है। अपने विरोधियों के प्रति उसके हृदय में रंच मात्र भी दया माया ना थी। किंतु निकोलस और बेक की मित्रता की कहानी ने उसकी भी आंखों में आंसू झलका दिए। उसने क्षमादान का पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ निकोलस। निकोलस उसी समय वहां से चल पड़ा और एक जिस्टर पहुंचकर शीघ्र ही जेल खाने में जा पहुंचा। बेक एक कोठरे में बंदी के रूप में बैठा था। उसने क्षमादान पत्र बेक की ओर बढ़ाकर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया और रुधे हुए गले से कहा, क्या मुझे भूल गए बेक? बेक ने उसे स्वर में उत्तर दिया, तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस? दोनों मित्रों की आंखें डबडबा रही थी। डबडबाना मतलब आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये थी कहानी मित्र का ऋण। कैसी लगी आप सभी को? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। अब कहानी अगर अच्छी लगी है तो उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी तैयार हो जाइए। प्रश्नों के उत्तर अपने आप से देने की जितनी कोशिश करोगे बच्चों, उतनी जल्दी आप अन्य चीजों को भी सीख पाओगे। तो देखिए इसके प्रश्नोत्तर को। सबसे पहला प्रश्न है, बेक और निकोलस के स्वभाव में क्या भिन्नताएं थी? तो ये आपको पता है कि एक अगर आलसी है तो दूसरा बहुत ही मेहनती है, एक कायर है तो दूसरा निर्भीक है, एक सत्य पर डटा हुआ रहता है तो दूसरा असत्य को मानता था। ऐसा क्या हुआ कि निकोलस का चेहरा पीला पड़ गया था? निकोलस का चेहरा इसलिए पीला पड़ गया था क्योंकि उसके द्वारा कक्षा का शीशा टूट गया था। निकोलस के मना करने पर बेक के हृदय में कैसे भाव उत्पन्न हुए? निकोलस के मना करने पर बेक को यह लगा कि उसके मित्र ने अपराध करने के बावजूद भी वह उस अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका कर्तव्य है कि वह अपने मित्र का यह दोष अपने सिर ले ले। आखिर मित्र वही होता है जो अपने दोस्त को मुसीबत से बाहर निकाल सके, और इसी प्रकार से उसने अपने मित्र होने का कर्तव्य निभाया। 40 वर्ष बाद दोनों मित्रों की मुलाकात किस रूप में हुई? 40 वर्ष बाद निकोलस एक न्यायाधीश जबकि बेक एक सेनानायक था, और जब मुलाकात हुई तो
सेनानायक के रूप में, सेनानायक राजतंत्रवादी जो कि युद्ध में हार गए थे और उन्हें कैदी बनाकर लाया गया था, जहां इन राजतंत्रवादियों को कैदी बनाकर लाया गया था, पराजित होने के पश्चात कैदी बनाकर लाया गया था, वहां निकोलस एक न्यायाधीश था। क्रॉमवेल की आंखों में आंसू क्यों झलक गए? क्रॉमवेल की आंखों में आंसू इसीलिए झलक गए थे क्योंकि उन्होंने उन दोनों की जो कहानी सुनी थी, उस कहानी से उसका हृदय पिघल गया था, क्योंकि व्यक्ति कितना भी क्रूर क्यों ना हो, परंतु उसके हृदय में परंतु उसके शरीर में एक हृदय नामक हृदय के लिए स्थान होता है, या हृदय नामक वस्तु होती है, वो दिल होता है, जिसमें दूसरों के प्रति कहीं ना कहीं सहानुभूति होती है, जिसे व्यक्ति दबाने की कितना भी कोशिश कर ले वो किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाती है। और यही बेक और निकोलस की कहानी सुनने के पश्चात क्रॉमवेल के साथ हुआ। आगे देखिए, एक दूसरे से अलग प्रकृति के लिखित वाले प्रश्न। एक दूसरे से अलग प्रकृति के होने पर भी बेक और निकोलस में कौन सा गुण समान था? सब उदाहरण लिखिए। दोनों एक दूसरे से एक दूसरे के पूरक न होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत परिस्थिति विपरीत होने के पश्चात भी दोनों में एक समानता थी कि दोनों के अंदर अपने मित्रता को निभाने और मित्रता के कर्तव्य को बखूबी समझने की क्षमता थी। सा उदाहरण लिखना है तो जो आपको उदाहरण इसमें लगाया अध्याय में वो आप लिखोगे, कहां आपको ऐसा लगा था। बेक ने एक सच्चे मित्र होने का फर्ज किस तरह निभाया? बेक ने एक सच्चे मित्र होने का फर्ज इस प्रकार निभाया कि उसने अपने मित्र निकोलस के द्वारा तोड़े गए शीशे का प्राल स्वयं पर ले लिया। क्या आप भी अपने मित्र की स्वयं से भड़कर सहायता करते हैं? यदि हाँ तो बताना किस प्रकार करते हो। निकोलस ने घोड़ा क्यों मंगवाया था? निकोलस ने एक जिस्टर में सबसे तेज घोड़ा लंदन जाने के लिए मंगवाया था, क्योंकि वह लंदन में क्रॉमवेल के पास जाकर क्षमादान पत्र चाहता था, जिससे उसके मित्र बेक को इस मुसीबत से बाहर निकाला जा सके, उसके ऊपर लगा हुआ आरोप मिटाया जा सके। निकोलस को मित्र का ऋण चुकाने के लिए क्रॉमवेल की सहायता की आवश्यकता क्यों थी? निकोलस को मित्र का ऋण चुकाने के लिए क्रॉमवेल की सहायता इसीलिए थी क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति था जो उसे क्षमादान पत्र लिख सकता था, जिससे बेक को बचाया जा सकता था। क्या निकोलस सच्चे अर्थों में न्यायाधीश था? टिप्पणी कीजिए। हाँ, निकोलस सच्चे अर्थों में न्यायाधीश था क्योंकि उसने गलत व्यक्ति को सजा मिलने से बचा लिया था। वह सच्चे अर्थों में न्यायाधीश था, परंतु अपनी मित्रता के आगे कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ की भावना जरूर महसूस की जा सकती है, क्योंकि उसने अन्य सभी व्यक्तियों के लिए क्षमादान पत्र नहीं लिखवाया था, केवल अपने मित्र बेक के लिए ही उन्होंने यह क्षमादान पत्र लिखवाया था। आगे देखिए, आशय स्पष्ट करना है। उसने उसे देखा किंतु कर्तव्य ने उसे विवश कर दिया। ऐसा क्या था आशय स्पष्ट करना है? उसने उसे देखा, पहचाना, किंतु कर्तव्य ने उसे। निकोलस एक न्यायाधीश था और उसका कार्य था कि गलत व्यक्ति को या अपराधियों को सजा देना, परंतु अपने कर्तव्य के आगे विवश होने के कारण उसने अपने मित्र बेक को भी अन्य सभी के समक्ष पहचानने से इनकार कर दिया था। अन्य सभी के समक्ष पहचान कर भी उसने अनजान बना रहा
क्योंकि वह सभी के आगे यह नहीं दिखा सकता था कि वह उसका मित्र है और वह अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है। इसीलिए उसने सब कुछ देखा पहचाना, किंतु उसने अपने कर्तव्य के आगे ये सजा सुनाई कि सभी को 4 दिन के पश्चात फांसी की सजा दे दी जाए। पागलों की तरह वह न्याय मंच से उठकर अपने कमरे के भीतर भाग गया। इस पंक्ति के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि निकोलस अपने मित्र को देखने 40 वर्ष के पश्चात देखने के बाद वह अपने मित्र को इस रूप में देखकर अत्यधिक परेशान हो गया और यही उसे एक ऐसा समय लगा जब वह अपने मित्र का ऋण चुका सकता था, अपनी मित्रता का ऋण चुका सकता था और इसीलिए उसने एक चिस्टर में सबसे तेज भागने वाला घोड़ा मंगवाया और इस पे बैठकर वह लंदन जाकर क्रॉमवेल से क्षमादान पत्र लिखवा कर ले आया।